Hello students, in this video we will discuss about comparison between Ladakh and Kerala. हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि डाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम सब एक जैसे दिखेंगे, है ना. डाइवर्सिटी मेक्स अस ब्यूटीफुल, हमने कहा था ना ये बात कि डाइवर्सिटी हमें क्या बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है. हमने डाइवर्सिटी में देखा कि कैसे एरिया टू एरिया बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. अगर हमने डाइवर्सिटी में देखा था कि ये लद्दाख का पोर्शन था और ये केरला का पोर्शन था, तो लद्दाख और केरला में हमने देखा कि किस तरह से ज्योग्राफिकल चेंजिंग आई. कहीं पे कोल्ड क्लाइमेट था तो वहाँ के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं. जहाँ पे यहाँ अगर केरला की बात करते हैं तो यहाँ पे हमिड क्लाइमेट है, लोग थोड़ी गर्मी रहती है तो लोग वैसे कपड़े पहनते हैं और उसी तरह के खाना खाते हैं, मतलब जैसा उनके एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग उन्हें चाहिए. ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, हमने देखना है इसमें कि केरला और लद्दाख दोनों के अंदर किस तरह की सिमिलैरिटी है और किस तरह का डिफरेंस है. इस वीडियो में हमने इतना ही बताना है कि जो ये लद्दाख जो हमें दिख रहा था कितना नॉर्दर्न पार्ट में है, बहुत ठंडा है, इधर केरला है जो वो गर्म रहता है, थोड़ा सा चिपचिप रहती है बारिश. ये लद्दाख में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, केरला में बहुत बारिश होती है. तो इन सब इतना सब होने के बाद भी ये इंडिया के अंदर हैं और हमारे भारत के पार्ट हैं और हम सब एक होकर रहते हैं. वो हम देखेंगे कि कैसे उसमें सिमिलरिटी देखने को मिल रही है हमें, और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. आपकी बुक में ही आपको मिल जाएगा पेज नंबर, वेट अ मिनट, आपकी बुक में आपको पेज नंबर 11 पे ऊपर ये पार्ट मिलेगा. ठीक है, अच्छा, इसमें कह रहे वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स. इससे पहले हम देखेंगे कि दोनों के दोनों, केरला और लद्दाख दोनों क्या हैं, दोनों डिफरेंट पार्ट में हैं. मतलब आपने देखा ना कि वो तो नॉर्थ में था लद्दाख, और केरला कहाँ है, वेस्टर्न साइड है, साउथ वेस्टर्न स्टेट है केरला हमारी, है ना. और लद्दाख कहाँ था, जम्मू कश्मीर के साथ, पहले स्टेट था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख क्या बन गया है, एक यूनियन टेरिटरी बन गया है. जबकि केरला क्या है, केरला साउथ वेस्टर्न स्टेट है इंडिया का. ठीक है, तो ज्योग्राफिकल एरिया भी उसमें बहुत चेंज है. दोनों में जो है लद्दाख एंड केरला बहुत डिफरेंस ज्योग्राफिकल फीचर्स, दोनों की ज्योग्राफिकल फीचर्स जो हैं वो अलग अलग हैं. कैसे अलग अलग हैं देखते हैं. अगर हम ध्यान देते हैं तो दोनों के ऊपर आपको बता दूं कि जहाँ लद्दाख में बहुत कोल्ड डेजर्ट है ना, वहाँ पे ही अगर हम देखते हैं कि केरला में कोस्टल स्टेट है वो, तो इसलिए वहाँ पे हमें क्लाइमेट रहता है. ठीक है, अच्छा, हमने पढ़ा था कि लद्दाख में जो है वो वेजिटेशन होती ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई फसल वसल बहुत कम उगती हैं, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो सारा स्नो से कवर रहता है एरिया. जबकि अगर हम बात कर रहे हैं केरला की, तो केरला में तो बहुत अच्छी फर्टिलिटी होती है, राइस भी होते हैं वहाँ पे, स्पाइसेस होते हैं अलग अलग तरह के बहुत सारे, है ना. हमने देखा था ना कि वहाँ पे केरला में क्या हो रहा है, स्पाइसेस बहुत मिल रहे हैं. ठीक है, क्योंकि वहाँ कल्टीवेशन होती है, स्पेशल ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वहाँ पे. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस की, मतलब ये तो हुआ कि अच्छा रेनफॉल की बात करते हैं. रेनफॉल जो है लद्दाख में बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता है, बहुत कम होता है, जबकि केरला में सी के नज़दीक है और लगातार बारिश होती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद ही आप कह सकते हो कि बारिश होती रहती है वहाँ पे. ठीक है, ये तो हुए इन दोनों में डिफरेंस थे. ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कि उन दोनों में सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है, अगर हम कहें कि मतलब दोनों के अंदर सिमिलैरिटी कहाँ कहाँ पे है. अगर हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले सिमिलैरिटी क्या आती है इसके अंदर, कि दोनों के अंदर ही, दोनों के ऊपर ही इन्फ्लुएंस है किसका, चाइनीज़ का और अरब ट्रेडर्स का, है ना. चाइनीज़ का कैसे, अगर हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना ऑनलाइन क्लास में भी बताया था कि जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं ये इस तरह से, इनके बीच में से ना रास्ते बने होते हैं, इन्हें पासिस बोलते हैं. ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, पासिस. तो इन पासिस के थ्रू क्या होता है, ट्रेड होता है, मतलब अरब के कंट्रीज़ आते हैं, या अरब से भी सिल्क रूट था पहले, एक सिल्क रूट बताया जाता है कि जो हिमालय की रेंज है, रेंज इन दिस सेंस हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर माउंटेन है तो वो सिर्फ एक नहीं होता है, उसकी छोटी 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 काफ़ी दूर तक रेंज होती है. ठीक है, तो जो हिमालय के बीच में से पासेस बने हुए थे, रास्ता बना हुआ था, वहाँ से अरब कंट्रीज़ के ट्रेडर्स भी यहाँ पे आते थे, और हमारे हिमालय के पासेस में से होते हुए वो कहाँ जाते थे, चाइना जाते थे. ठीक है, तिब्बत
हुए और इन सब जगह से होते हुए पासिस में से वो चाइना जाते थे। तो लद्दाख के रीजन में भी चाइना उसका अरब का और चाइना का दोनों का, और चाइना चाइना वाले भी कहाँ जाते थे, अरब कंट्रीज़ में जाते थे ट्रेडर्स जो होते थे। तो लद्दाख में भी चाइना का और अरब का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, उनका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और केरला में तो आपको पता ही है कि केरला में मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले आए थे ज्यूज और जो अरेबियन कंट्रीज़ के लोग थे, अरेबिक वो सब आए थे। तो दोनों के ऊपर ही अगर हम कहें कि चाइना का और अरेबियन ट्रेडर्स का बहुत ज़्यादा असर हुआ हुआ है, ठीक है, यानी दोनों सिमिलर हैं इस बात में, ओके। उसके बाद अगला जो इन्फ्लुएंस अगर हम कहते हैं मेनली क्या आ रहा है कि दोनों ही दोनों केरला भी और चाइना, केरला भी और लद्दाख भी दोनों के ऊपर चाइना का बहुत ज़्यादा असर है। आपको चाइना का असर मैंने लद्दाख के बारे में तो बताया था कि तिब्बत से होते हुए बहुत सारे हमारे हमारा बुद्धिज़्म भी, यानी बुद्ध धर्म जो हमारे यहाँ पे लद्दाख में बुद्ध धर्म को बहुत फॉलोअर्स थे, अब चाइना में भी बुद्ध धर्म को मानने वाले बहुत हैं, क्योंकि वाया तिब्बत चाइना के अंदर बुद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं केरला में, तो केरला में हमने एक बात पढ़ी थी कि वहाँ पे जो फ़िशिंग नेट है वो कैसा है, चाइनीज़ फ़िशिंग नेट कहा जाता है उसे, मतलब चाइनी वाला मतलब चाइना से आया हुआ, सिमिलर सा है थोड़ा सा, है ना। तो इसीलिए चाइना का भी असर किसके ऊपर है, लद्दाख पे भी और केरला पे भी, ठीक है। तो इससे हमें ये लगता है कि दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी भी देखने को मिलती है और थोड़ा सा हम कह दें कि डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे लिए कि अगर हम कह सकते हैं इसमें कि हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हमारे जीने का तरीका, इसी से हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी ऐड होती है। देखो हिस्ट्री में ऐसे हुई कि दोनों ही जगह पे अरेबियन और चाइनीज़ लोगों का इफ़ेक्ट रहा, ठीक है। अब ज्योग्राफी से हमारी डाइवर्सिटी कैसे है, अब जो ज्योग्राफी में हम कहें कि जो लद्दाख के लोग हैं, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत रहती है इसीलिए वो ठंडे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं केरला की, तो वहाँ पे गर्मी सी रहती है, थोड़ा मौसम चिपचिप रहता है, तो वो लोग मतलब गर्मी के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि खाना, तो क्योंकि लद्दाख में ठंड रहती है तो वो गर्म खाना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, मतलब गर्म गर्म चीज़ें जिससे हमारी शरीर को गर्मी मिले, है ना। अगर हम बात करते हैं केरला की, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा गर्म नहीं खाते हैं, वो अपने मौसम के अकॉर्डिंग चीज़ें खाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम देखते हैं कि लद्दाख और केरला जोग्राफिकल और अदर कल्चरल भी बहुत सारे डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सिमिलरिटी देखने को मिलती है, ओके। जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं बेटा, वो लास्ट वीडियो होगी हमारी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी आपने देख लिया कि ज्योग्राफी में कितनी डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल एरिया में लद्दाख ठंडा है जबकि केरला गर्म है थोड़ा सा, ठीक है, वो मॉडरेट का क्लाइमेट है केरला में, ठीक है। लद्दाख में लोग जो हैं वो मतलब क्या करते हैं, ऑक्यूपेशंस में शिप्स को रेयर करते हैं, जबकि केरला के लोग जो हैं वो फिशेस को जो है पालते हैं, फिशेस फिशिंग करते हैं, है ना। अच्छा, और उसके बाद अब यूनिटी कैसे है, फिर भी हम सब भारतीय हैं, क्योंकि जहाँ बात आती है कि हम इंडियंस हैं, तो इंडियंस क्यों हैं, ऐसा क्या खास चीज़ है जो हम सबको एक करके रखा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। टिल देन थैंक यू।